अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बात करने लगे हैं कि ओव्यूलेशन क्या होती है और उसके क्या क्या साइंस होते हैं। आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा होगा कि मैंने आपको बहुत सी वजूहात बताई थी कि जिसकी वजह से किसी भी कपल को प्रेगनेंसी होने में दुश्वारी का सामना करना पड़ा सामना हो रहा होता है। तो फिर हम मैंने सोचा कि हम मुख्तलिफ टॉपिक्स को वन बाई वन इन डिटेल डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक वीडियो में इन सब को एक साथ इनका इलाज डिस्कस करना या इन सब चीज़ों को डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है। तो आज हम जो सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है उसको लेते हैं, और वो है ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन का होना यानी कि अंडे का रिलीज़ होना। तो ये कैसे पता चलेगा कि अंडा रिलीज़ हुआ है कि नहीं? तो पहले तो मैं सबसे पहले एक चीज़ क्लियर करती फिरूँ करती चलूँ, वो ये है कि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो ज़्यादातर ये है कि जिस दिन आपको पीरियड आते हैं उसके 12वें से 14वें दिन तक आपको ओव्यूलेशन हो जाती है, यानी कि वो आपका फर्टाइल टाइम होता है। और ज़्यादातर कपल्स जो हैं उसी टाइम पे कंसंट्रेट करते हैं कि ये हमारा ओव्यूलेशन टाइम है, ये वो टाइम है कि जिसमें हम सेक्स करेंगे तो ज़्यादा चांसेस होंगे प्रेगनेंसी के। तो मैं ये चीज़ सबसे पहले तो क्लियर करना चाहती हूँ कि एक्चुअली ओव्यूलेशन टाइम को कैलकुलेट करने का ये तरीका बिल्कुल गलत है, और हमें अपनी ओव्यूलेशन को एक्चुअली इस तरह से कैलकुलेट करना होता है कि जिस तारीख को आपको पीरियड आते हैं उससे पहले वाले 12 से 14 दिन जो हैं वो आपके ओव्यूलेशन टाइम होता है। तो आप इस तरह से करेंगी, आप कैलेंडर पे मार्क करेंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपकी लंबी साइकिल है, जैसे कि आपकी 40 दिन की साइकिल है, आपको एक साइकिल में पहले जून को सपोजिंगली पीरियड आए, और अगले महीने में आपको 10 जुलाई को पीरियड आए, तो हम कहेंगे कि आपकी साइकिल जो है वो 40 दिन की है। अब आपका जो ओव्यूलेशन टाइम है वो एक्चुअली 14 जून नहीं है, आपका ओव्यूलेशन टाइम बेसिकली 27, 28, 29, 30 ये है टाइम आपका, जो कि आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम है। ठीक है, तो अब आपको मेरी बात समझ आई, यानी कि अगले पीरियड से पहले वाले 14 दिन आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, ना कि पीरियड के बाद वाले 14 दिन। ओके, तो इसी तरह से सपोजिंगली आपको पीरियड जो है वो 28 डे की, सपोजिंगली आपकी 28 डे की साइकिल है, यानी कि आपको एक पहली तारीख को पीरियड आए हैं, उसके बाद आपको अगले महीने के 28 तारीख को पीरियड आते हैं, तो आपकी साइकिल जो है वो नॉर्मल साइकिल है। इसमें आपका जो 14वां दिन है यानी कि 12 से 14 जून जो है वो ही आपका बेस्ट टाइम है। फिर सपोजिंगली आपकी साइकिल शॉर्ट है, यानी कि आपको हर 25 दिन बाद या हर 24 दिन बाद पीरियड आ जाते हैं, तो उस सूरत में आपका टाइम जो होगा वो उससे फ़र्क होगा, यानी कि वो फिर वही, अगर आपको पहली को आते हैं 24 को आते हैं, तो 24 से बैकवर्ड अगर आप जाएंगी 14 दिन, तो आपके कौन सी तारीख बनेगी? तकरीबन 10-12 तारीख। ठीक है, तो ये चीज़ें आपकी वो आपका इम्पॉर्टेंट टाइम होगा, तो हम इसी तरह से कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, उसके अलावा ये तो हो गया एक कैलकुलेशन। आजकल बहुत सी ओव्यूलेशन किट्स अवेलेबल हैं बाज़ार में, आप वो यूज़ कर सकती हैं अगर आप चाहती हैं कि आप अपने ओव्यूलेशन का टाइम पता करें। फिर एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं बेसल बॉडी टेम्परेचर। जिस वक्त आपको, जिन दिनों में आपकी ओव्यूलेशन होती है उस वक्त आपकी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो आपके नॉर्मल टेम्परेचर से 0.5 डिग्री राइज कर जाता है। अब आप उनसे पूछेंगी कि आखिर हम बेसल बॉडी टेम्परेचर कैसे मेजर कर सकते हैं? तो एक्चुअली इसके लिए स्पेशल थर्मामीटर्स होते हैं, आप उनको यूज़ करें, और आम तौर पे इनको हमें फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग, यानी कि मॉर्निंग में सबसे पहला काम ये करना चाहिए कि हम अपना टेम्परेचर चेक करें। ये आपने कोई बात करने से पहले या इवन बेड से उठने से पहले चेक करना होता है। तो होता क्या, इस तरह से आप कर सकती हैं कि आप अपने साइड टेबल पर रख के सोएं, और सुबह जैसे ही आपकी आँख खुले
तो आप बगैर कोई बात करें, बगैर कोई एक्टिविटी किए वो थर्मामीटर वो यूज़ करें और अपना टेम्परेचर चेक कर लें। आमतौर पर जिस वक्त ओव्यूलेशन होती है तो एन ओव्यूलेशन से पहले आपके टेम्परेचर में हाफ डिग्री का टिप आता है और फिर आपका एकदम से टेम्परेचर राइस हाफ डिग्री ज़्यादा हो जाता है, तो नेक्स्ट डे आपका टेम्परेचर हाफ डिग्री ज़्यादा है और लास्ट पार्ट ऑफ द साइकिल यानी कि जो ओव्यूलेशन के बाद का टाइम है उसमें आपका टेम्परेचर हाफ डिग्री ज़्यादा रहेगा। तो ये तो हो गया बॉडी टेम्परेचर। उसके अलावा आप के बॉडी के अंदर और भी बहुत सी चेंजेस आती हैं। सबसे पहली जो चेंज आती है वो आपकी सर्विक्स जो है वो थोड़ी सी मज़ीद सॉफ्ट महसूस होती है। सर्वाइकल म्यूकस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जिसको चेक किया जा सकता है। उसकी कंसिस्टेंसी बहुत जल्दी चेंज होती है। इनिशियली वो जिन दिनों में ओव्यूलेशन होती है तो आपकी सर्वाइकल म्यूकस जो है वो एग वाइट की तरह की होता है कलर उसका, और अगर आप दो उंगलियों के दरमियान उनको इस तरह से स्टिकी वो करें तो वो तार बनाती है, तो वो टाइम होता है उससे पता चलता है कि आपको ओव्यूलेशन हो चुकी है। अच्छा, अब मैं एक चीज़ और एडवाइस करूँगी कि आमतौर पे जो मर्द के स्पर्म्स होते हैं उनकी लाइफ लंबी होती है, वो तकरीबन 5 दिन जिंदा रहते हैं, लेकिन जो औरत का एग है वो तकरीबन 12 से 24 घंटे तक बेहतरीन हालत में होता है। तो एडवाइजेबल ये होता है कि आप ओव्यूलेशन से पहले अगर सेक्स कर लेते हैं ताकि एग स्पर्म्स जो है वो उस जगह पे मौजूद हों, जिस वक्त एग जो है वो रिलीज़ हो रहा है तो स्पर्म्स वहाँ पे मौजूद हैं, वो फौरन ही उसको फर्टिलाइज़ करने की कोशिश करें। क्योंकि अब होता क्या है कि जैसे ही एक एग जो है बाहर निकलने की कोशिश कर बाहर निकल रहा होता है जिस वक्त, तो फौरन ही कोई ना कोई स्पर्म उसको कैच कर लेता है, और जैसे ही कोई स्पर्म उसकी सरफेस पे अटैच होता है उस एग के अंदर इतनी चेंजेस आ जाती हैं कि फिर वो किसी और एग और स्पर्म को अंदर नहीं जाने देता और वो एग फर्टिलाइज हो जाता है। उसके बाद वो फर्टिलाइज एग जो है वो आपकी ट्यूब्स जो हैं वो अपने अंदर खींच लेती हैं और वो आगे अपने बेड में इम्प्लांट हो जाता है। तो इसलिए फिर मैं ये एडवाइस करूँगी कि जो आपके ओव्यूलेशन वाले डेज़ हैं आपको चाहिए कि उसमें या तो डेली या फिर ऑल्टरनेट डेज पे सेक्स कर लिया करें। अच्छा, फिर और जो साइंस हैं ओव्यूलेशन के उनमें आता है कि बाज़ लोगों को की सेक्स डिज़ायर इन दोनों में इंक्रीज़ हो जाती है, बाज़ लोगों को हल्का सा अपना वल्वा वजाइना थोड़ा सा सोलन महसूस होता है, बाज़ लोगों को थोड़ा सा ये महसूस होता है कि जैसे उनकी ब्रेस्ट थोड़ी सी सोर हो गई है। उसके अलावा बाज़ लोगों को थोड़ी सी सेक्स डिज़ायर भी उन्हें इंक्रीज़ महसूस होती है। कुछ लोगों को एक और बहुत साइन है जो कि इम्पॉर्टेंट है जिसको कहते हैं मिशेल मर्स सिंड्रोम, वैसे वो तो हमारी ज़मान का वर्ड है, लेकिन होता क्या है कि उनको हल्का सा ऐसे महसूस होता है कि जैसे उनकी टमी में लोअर एब्डोमेन में थोड़ा सा दर्द है, हल्का सा माइल्ड सा उनको पेन महसूस होता है। वो एक्चुअली जब ओव्यूलेशन होती है तो उस जगह से जो फ्लूइड रिलीज होते हैं वो जब उनकी पेल्विक वॉल पे गिरते हैं तो वहाँ पे हल्का सा पेन कॉज करते हैं, तो वो उनको हल्का सा दर्द महसूस होता है, तो ये भी साइन ऑफ ओव्यूलेशन है। तो आपको चाहिए कि आप इसको अवेल करें और इन साइंस को मद्देनज़र रखें और राइट टाइम को अवेल करके प्रेगनेंसी को अचीव करने में इंशाल्लाह आपको सक्सेस महसूस होगी, इंशाल्लाह आप सक्सेसफुल रहेंगी। थैंक यू।